अरे ये कौन छोड़ गया? गुड मॉर्निंग। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? कोई यहाँ ये तोहफा रख के गया है। अरे कालिया, ये तुम्हारा मुंह क्यों पूरा पड़ने लगा? भीम, तुम्हारा भी, राजू, जग्गू का भी। कौन है? बच्चों, ये क्या हो गया तुम सबको? किसने किया ये सब? बच्चों, तुमने गलती कर दी। तुम्हें वो गुमनाम चॉकलेट्स यूं ही नहीं खाने चाहिए थे। खाने से पहले पता लगाना चाहिए था कि वो किसने भेजे हैं और क्यों भेजे हैं। प्रोफेसर धूम केतु अपनी टाइम मशीन यहाँ मरम्मत के लिए छोड़ गए थे। इससे हम समय में वापस पीछे चले जाते हैं। चॉकलेट्स के लिए शुक्रिया, पर मुझे मिलावटी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं। तुझे नहीं छोड़ूंगा, अभी बहुत से बबल गम का जोर बाकी है। ढोलकपुर वासियों, बाजी चाल है मेरा नाम, माया चाल है मेरा काम। हाथ घुमाकर कुछ भी सामने ले आऊं, जब चाहे गायब कर जाऊं। बाजी चाल है मेरा नाम, माया जाल है मेरा काम। आज ढोलकपुर के लिए मैं एक खास खेल लाया हूँ। मांडू, मुझे एक व्यक्ति की मदद चाहिए, आप में से कौन आ सकता है? अगर आप आए तो मेरे लिए ये एक बड़े गर्व की बात होगी। मैं जरूर, क्यों नहीं। महाराज, अब आप इस बक्से में आइए। आराम से बैठिए, क्योंकि अब तुम अंदर से निकल ही नहीं पाओगे। और अब एक शानदार जादू। धन्यवाद,
और अब सही जादू शुरू होगा। मुझे ढोलकपुर का राजा बनाओ, तब भी मैं राजा इंद्रवर्मा को वापस लाऊंगा। पिताजी, अभी और इसी वक्त हमारे महाराज को लौटा दो। और अगर मैं ही यहाँ से गायब हो जाऊं तो? जमीन पर कुछ है, देखो दरवाजा। अच्छा, तो ये बात है, जब महाराज बक्से में गए तब बागीचाल ने ढक्कन बंद कर दिया और जोर जोर से मंत्र बोलने लगा। यही संकेत था मांडू के लिए ये दरवाजा खोलने का। महाराज यहाँ से नीचे गिरे होंगे, ये कोई जादू नहीं है, महाराज कहीं पास ही कैद होंगे। उदास मत हो, तुम्हारे नए महाराज आ गए हैं। तुम कभी भी ढोलकपुर के राजा नहीं बन सकते, भीम अभी पिताजी को लेके आ जाएगा। मैंने तुम्हारे पिताजी को भी गुल कर दिया है, और भीम और तुम्हारे दोस्तों को भी। अब मुझे राजा स्वीकार करो, नहीं तो राजकुमारी को भी गुल कर दूंगा। इतनी भी क्या जल्दी है धोखेबाज कहीं के? भीम, लेकिन इस बक्से में कोई गुप्त दरवाजा नहीं है। भीम, तुमने एक बार फिर से ढोलकपुर की रक्षा की है। हाँ महाराज, थोड़े से जादू की मदद से। जादू? कैसा जादू? लड्डू का जादू। था वेलकम टू अर्थ फ्रेंड्स, हमारा मिशन अर्थ का पहला पार्ट कामयाब हुआ। हम पृथ्वी पर लैंड कर चुके हैं। हमारे प्लैनेट वीनस से यहाँ बहुत ज्यादा ठंड है, तापमान करीब 27 डिग्री सेल्सियस है। अब हमारे मिशन का दूसरा पार्ट, प्लैनेट अर्थ के रिसोर्सेज ढूंढकर उन पर कब्जा करना। हमारे मार्स प्लैनेट पर कितना ठंडा और कूल मौसम होता है, अर्थ पर तो लैंड करते ही पसीने छूट गए। जल्दी यहाँ अपना मिशन खत्म करके वापस जाएंगे। इन्हें पकड़ लो। हाँ हाँ, बहुत देखे हैं तुम जैसे। राजू, गुलेल, चुटकी, लड्डू। है।
ओरियस की भेंट मार्स के लिए। इसमें क्या है? हाँ? मार्स की तरफ से वीनस के खूबसूरत लोगों के लिए। यहाँ बहुत गर्मी है, हमारे मार्स पर बहुत ठंडा और कूल है। हमें भी मार्स देखने की बहुत इच्छा है। देखा, जो बात लड़ाई से सुलझ सकती है वो प्यार मोहब्बत से और अच्छी तरह सुलझ जाती है। है? ये क्या, कितना पतला दूध है। लेकिन टुनटुन जी, इसे तुम दूध कहते हो? पर हमारी बात तो, ये तो सफेद पानी है। आपकी हिम्मत कैसे हुई दोनों दूध वाले से ऐसे बात? अरे ये कौन टुनटुन मौसी से जबान लड़ा रहा है? हमारी पुरानी दूध वाली रामू काका अचानक बहुत बीमार हो गए, तो ये कोई नया दूध वाला है। कल ही दूसरे गांव से आया और आते ही माँ से झगड़ा शुरू। माँ को तो एकदम अच्छा दूध चाहिए, वो कहती है सबकी शक्ति बढ़ाता है दूध। हर एक बीमारी को बढ़ाता है दूध। कितनी रात हो गई है माँ, अब सो जाओ। तू सो, मेरा अभी काम बाकी है। सुबह लड्डू बनाने को मावा तैयार करना है। अरे माँ, क्या तुम सोई ही नहीं? जल्दी उठ गई थी, लड्डू जो तैयार करने थे। चल जल्दी हाथ मुंह धो ले, तेरे नाश्ते के लिए कचौरी बना कर रखी है। क्या बकवास कर रहा है, ठीक तरीके से गिनना भी नहीं आता। 20, 50, 100, 150, 1000। हाँ बेहतर, मैं ही हूँ जो 1000 तक कर सकता हूँ। थोड़ी छाव में ले लो। हा? ये तुम्हें, ए हाथी, सुना नहीं क्या? देखो उसका पेट भी हिल रहा है। तुम दोनों के बीच में एक दिमाग भी नहीं है, किताब भी उल्टी पढ़ रहे थे। हाथी, अरे पार लगा दे रे। वाह बबुआ वाह, बहुत ही हिम्मत है तुम लोगन में। क्यों बाबा, ऐसा क्यों बोल रहे हो? कहा है कि कोई उस गुफा में जाए की हिम्मत ही नहीं करेला। सुना है अजीब और गरीब खतरा है वहाँ। कैसा भी खतरा क्यों ना हो, मैं उसकी चटनी बना कर रख दूंगा। तो ठीक है बचुआ लोग, ऊ रही गुफा, संभल के जाए हैं। जी शुक्रिया। हम तुम्हारी यही इंतजार करेला। संभल कर चलना दोस्तों। ठीक है भीम। रुक जाओ कालिया, दीवारों पर जो छेद हैं ये मुझे सही नहीं लग रहे, हमें हर कदम फूक फूक कर रखना होगा। भीम, ये गुफा तो जानलेवा खतरों से भरी पड़ी है। हाँ भीम,
अच्छा हुआ कि तुमने काया को रोक लिया। हाँ, नहीं तो पता है आज उस्ताद की शिकायत हो जाती। संभल कर आना दोस्तों। आराम से। वो देखो जादुई भाला। कितना शानदार है। हाँ, तभी तो इसे पाना इतना मुश्किल काम है। पर उस भाले तक पहुँचेंगे कैसे? हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। भीम की जय हो। भीम की जय हो। भीम की जय हो। बिचवा, बहुत साहस दिखाई तुम लोगों ने। तुम सब अपना ख्याल रखना, सब संभल कर जाना है। आप फिक्र मत कीजिए बाबा, हम जीत कर ही आएंगे। जय हो, जय हो, विजय हो, मंगलमय हो, जय हो। कितनी सुंदर जगह है, मन करता है यहीं बस जाऊं। हाँ चुटकी, मेरा भी मन ऐसा ही कर रहा है। मेरा भी। पर पहले हमें उस डायनो असुर को ढूंढना होगा। ये किसकी आवाज है? ये तो छोटा सा बच्चा है। हाँ चुटकी, हम इस पर हमला कैसे कर सकते हैं? करना तो पड़ेगा भीम, क्योंकि देखो ये कितना खतरनाक है। डायनोसोर, उन्हें छोड़ दे। डायनोसोर, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? इस पहाड़ पर उगने वाले फल और बांस ही मेरा खाना है, और वो भी मुझे कम पड़ जाता है क्योंकि मेरा पेट इतना बड़ा है। उस पर भी गांव वाले सारे फल और बांस को काट कर ले जाते हैं, और उसी वजह से मुझे भूखा रहना पड़ता है। पर तुम गांव वालों पर हमला क्यों करते हो? मैं कोई हमला वमला नहीं करता, पर अगर वो लोग यहाँ आकर मेरा खाना चुराना बंद कर दें, तो मैं नीचे जाना बंद कर दूंगा। तो ये बात है। अच्छा ठीक है डायनोसोर, मैं तुम्हारी और गांव वालों की ये परेशानी आज ही दूर कर दूंगा। चलो मेरे साथ। आए, हे भगवान, ये डायनोसोर भीम के साथ। महाराज, ये कोई दानव नहीं है, बल्कि एक छोटा मासूम बच्चा है। दरअसल महाराज, ये पहाड़ इसका घर है, और इस पर उगने वाले फल और बांस की लकड़ी इसका खाना है। पर गांव वाले अक्सर पहाड़ से फल और बांस काट कर ले आते हैं, जिससे इसे कई कई दिन भूखा रहना पड़ता है। और जब इससे भूख बर्दाश्त नहीं होती, तब ये नीचे आके गोदाम से फल और बांस खा लेता है, और इसके बड़े आकार की वजह से झोपड़ियां और फसलें बर्बाद हो जाती हैं। और तो और, गांव वाले और सेना इस पर हमला कर देते हैं, जिससे ये गुस्से में वापस हमला कर देता है। आज से कोनो गांव वाला पहाड़ से फल और बांस की लकड़ी नहीं लावेगा, हैं? खाली जलाई खातिर सूखी लकड़ी ही लावेगा। और मैं भी आज से किसी भी गांव वाले को और गांव को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। स्कूल में बहुत मजा आया ना राजू? हाँ भीम, हमने तो दूसरी टीम को कबड्डी में इतनी आसानी से हरा दिया। आज जग्गू कहीं नजर नहीं आ रहा। वो कह रहा था कि अपने बंदर दोस्तों से मिलने जा रहा है, पर अब तक वापस आ गया होगा। चलो फिर उस
से मिलकर आते हैं। हाँ, चलो। जग्गू, ये तुम्हारे घर से क्या लटक रहा है? जग्गू, ये क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी पूंछ को क्या हो गया? को बुलाया क्यों नहीं जग्गू? मैंने घर से निकलने की कोशिश की भी, पर इतनी लंबी पूंछ को संभालना बिल्कुल आसान नहीं है। अच्छा हुआ कि तुम सब आज मुझसे मिलने यहाँ आ गए, वरना न जाने मुझे कितने दिन ऐसे ही बैठना पड़ता। चलो उन बाबा से मिलकर उनसे माफ़ी मांगते हैं और इस समस्या का हल पूछते हैं। जल्दी से उनके पास चलो। भीम, जल्दी कुछ करो। तुम फिर से मेरी तपस्या भंग करने आ गए। माफ कीजिए बाबा, हम आपकी तपस्या भंग करने नहीं आए हैं। फिर क्या चाहते हो मुझसे? मैं जग्गू का दोस्त भीम हूँ। जग्गू से गलती से आप पर केला गिर गया था, वो आपको परेशान नहीं करना चाहता था। ठीक है जग्गू, मैंने तुम्हें माफ किया, पर इस पूंछ को छोटी सिर्फ एक केला कर सकता है। केला? हाँ, एक सुनहरा केला जो घने जंगल के अंदर एक सुनहरे पेड़ पर उगेगा। उसे छूते ही जग्गू की पूंछ वापस छोटी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। शायद ये वही पेड़ है। कितना सुंदर पेड़ है। चलो सुनहरा केला जल्दी से तोड़ो जग्गू। नहीं होगा, और मैं हूँ सिकंदर का साथी जग्गू बंदर। बचाओ बचाओ, कालिया शैतान रे महल पर हमला कर रहा है। डरो मत राजकुमारी चुटकी, सिकंदर तुम्हें जरूर बचाएगा। सिकंदर से पहले राजकुमार राजू तुम्हें बचाएगा। नहीं, जग्गू बंदर तुम्हें बचाएगा। और ये महल, इसे कोई नहीं बचाएगा। इसे बचाने के लिए तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। भीम, भीम, राजू। क्या हुआ शौर्य, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? भीम, ढोलकपुर में तमाशी लाल अपना बायोस्कोप लेकर आया है। बायोस्कोप? वो क्या होता है? ये एक ऐसा डिब्बा होता है जिसके अंदर सिक्का डालो तो ढेर सारी कहानियों का खजाना खुल जाता है। जाऊंगा,
खिलौने वाला आया, नए रंगीन मजेदार खिलौने लाया। खिलौने वाला मुझे बच्चों, सबको खिलौना मिलेगा। बेटा तुम लोगों को कैसा खिलौना चाहिए? मोटर गाड़ी से अच्छा खिलौना, सबसे खास, सबसे अलग, सबसे मजेदार खिलौना। ऐसा खिलौना तो सिर्फ खिलौनों की दुनिया में मिलेगा। खिलौनों की दुनिया में? क्यों बच्चों, कैसी लगी खिलौनों की दुनिया? जाओ जाओ, ले लो अपने खिलौने। ये है टॉयलैंड का सबसे खास खिलौना। भीम, तुमने अब तक कोई खिलौना नहीं लिया, जाओ देखो अंदर। ये सब हमारी गलती है भीम, तुम हमारे पीछे आए और नहीं भीम की चाबी खत्म हो गई, चाबी लगाओ। नहीं राजू, तुम लोगों की कोई गलती नहीं है। भीम, 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 उस बुरे खिलौने वाले ने महल पर हमला कर दिया है। चलो दोस्तों, तुम ढोलकपुर का कुछ नहीं बिगाड़ पाओ। चाबी खत्म। मुझे पहले जैसा बना दो वरना।